इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जनपद स्तरीय प्रशासन के बारे में कि एक जिले का प्रशासन किस प्रकार से चलता है और उस प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं और उनको देखने वाले कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो जिला स्तरीय प्रशासन में आता है कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास करना, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था जो है इसका जो है जिले स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक जो है ये कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाला जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक के नीचे कई उप पुलिस अधीक्षक काम करते हैं। उप पुलिस अधीक्षक के नीचे कई इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर के नीचे कई सब इंस्पेक्टर काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर्स के नीचे जो है अन्य कर्मचारी लोग काम करते हैं। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के बाद आता है हमारा भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था जो है इसको देखने के लिए जो है भूमि व्यवस्था को देखने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है तहसीलदार। यह तहसील में बैठता है। तहसील का सर्वोच्च अधिकारी, भूमि व्यवस्था देखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे होते हैं नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नीचे होते हैं कानूनगो। कानूनगो को नीचे होते हैं पटवारी या लेखपाल। तो ये होती है भूमि व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। जिले स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था के नीचे जो देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का वो होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नीचे जो है उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नीचे कई खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी होते हैं। खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी के नीचे होती हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती, जिनमें से जो है एनम, आशा और इस तरह की अनेक महिलाएँ जो हैं अनेक स्वास्थ्य कार्यकर्ती काम करती हैं। तो यह था हमारा जिला स्तरीय प्रशासन।